क्या आप जानते हो मुरीज दोगबारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहते हैं? दोस्तों, सबसे पहले मैं मुरीज दोगबारी का छोटा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। इनका जन्म 26 मई 1955 को पेरिस में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जून 1973 को पेरिस में ही हुई थी। वो एक मशहूर लेखक थे। वो 1920 और 1930 की दहाइयों में पहली और दूसरी आलमी जंगों के दरमियान मशहूर लेखकों में एक थे। इनकी किताबों का 77 जबानों में तर्जुमा हो चुका है। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं, अगर हमारे लेखक यौम आशूरा को अच्छे से दर्क कर लें तो वो इस शोक को गैर मामूली न समझेंगे। और हुसैन अलैहिस्सलाम के पैरोकार जो अपने इमाम के लिए अज़ादारी करते हैं, वो जानते हैं कि हरगिज जिल्लत और पस्ती और इस्तेमारी हुकूमतों के सामने सर तस्लीम खम नहीं करना है, क्योंकि इमाम हुसैन और उनके रहबरों का नज़्मुल अमल ये था कि जुल्म के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको ये कलाम कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम हर हुसैनी तक पहुँच सके।